वो कबाड़ वाले, ये पकड़ 100 रुपए और जल्दी से जाके मेरे लिए 2 पानी की बोतल और 1 चिप्स लेकर आ। अरे तुझे सुनाई नहीं देता क्या, बहरा है तू? आपको दिखाई नहीं दे रहा मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ मुझे सब दिखाई दे रहा है, तू सफाई वाला तो सफाई करेगा ना, और मैं तुझसे फ्री में काम नहीं करवा रही हूँ, पैसे दे रही हूँ काम के बदले। मैडम मैं यहाँ से कूड़ा उठा रहा हूँ क्योंकि यहाँ गंदगी हो रही थी, और आपको पता ना हो शायद, ये हमारा देश है और इसको साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी है। ओह तो लेक्चर देना तुम जैसे लोगों को भी आ गया, आखिरकार है तो तू एक सफाई कर्मचारी ही ना। मैडम मैं कोई सफाई कर्मचारी नहीं हूँ, और मुझे मेरा काम करने दो प्लीज, आप जाइए यहाँ से। अरे तू तो बड़ा बदतमीज है, एक तो मैं तुझे काम के पैसे दे रही हूँ और उसके बाद भी तुझसे मेरा काम नहीं हो रहा। देखिए मैडम मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं कोई सफाई कर्मचारी नहीं हूँ, तो प्लीज कृपया करके अपना और मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए, जाइए यहाँ से। ओ अच्छा इतना एटीट्यूड, अब ना सारा काम मैं तुझसे ही करवाऊंगी, अपने घर की सफाई भी और अपने कार की सफाई भी। अच्छा मैं नहीं करने वाला कोई काम, तुम्हें जो करना है वो कर लो। ये पकड़ 100 रुपए और मेरा काम करने के बाद ना मुझसे और पैसे मांग लियो, मैं दे दूंगी तुझे। मुझे तो पता ही था तुम जैसे लोगों का ना यही होता है, जहाँ पैसे देखे नहीं सारा एटीट्यूड गायब। मैडम पैसों का इतना घमंड दिखाना ठीक नहीं है, ये पकड़िए अपने पैसे और किसी और से काम करवा लिए। पैसों का घमंड मैं दिखा रही हूँ या तू? तुझसे एक काम बोला था मैंने, वो भी तुझसे हुआ नहीं, अब ये बता कि बदतमीज कौन हुआ, तू या मैं? मैडम बदतमीज मैं नहीं तुम हो, जब मैंने तुम्हें बोल दिया मैं कोई सफाई वाला नहीं हूँ फिर भी तुम मुझे अपने पैसों का घमंड दिखा रहे हो, तो बदतमीज मैं हुआ या तुम? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं सिखाई। ओह तो तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर वालों के बारे में बोलेगा? रुक तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। तूने मुझे थप्पड़ मारा? अरे शुक्र करो मैडम मैंने तुम्हें बस एक ही थप्पड़ मारा है, जिस तरीके से तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो ना तुम्हारी तो पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। ओ अच्छा तो अब तू मेरी पुलिस कंप्लेंट करेगा, तू जानता नहीं है मुझे अच्छे से कि मेरी पहुंच कहां तक है। अच्छा कहां तक है आपकी पहुंच, जरा मुझे भी दिखाओ। श्वेता हो गया काम चले। सर्जेश देखो ना इस सफाई वाले ने। श्वेता ये सफाई वाले नहीं है। नमस्ते सर। नमस्ते। सर्जेश तुम इसको नमस्ते क्यों बोल रहे हो, इस गवार ने ना मुझे थप्पड़ मारा और मेरा कहा भी नहीं माना। श्वेता ये तुम कैसे बात कर रही हो, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना कि सफाई वाले नहीं है। ये जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, इस गवार को तो मैं सबक सिखा के ही रहूंगी, दो कौड़ी का सफाई वाला। श्वेता बंद करो अपनी बकवास, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ कि सफाई वाले नहीं है लेकिन अपने आगे किसी की सुनती ही नहीं हो। सर्जेश तुम मुझे सुना रहे हो वो भी इसकी वजह से, अरे तुम्हें तो इसको डांटना चाहिए। श्वेता बंद करो अपनी बकवास, अपने आगे किसी की सुनती ही नहीं हो, तुम जिस कंपनी में अभी इंटरव्यू देकर आई हो ना उस कंपनी के बॉस है, तुम जिस कंपनी में जॉब करने के लिए तरस रही थी तुम उसी कंपनी के बॉस से इतने गंदे तरीके से बात कर रही हो, चलो इनसे माफी मांगो मांगो। सॉरी सर आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे जाने अनजाने में गलती हो गई, मैंने आपको इतना उल्टा सीधा बोल दिया, मुझे माफ कर दीजिए आप। क्या कहा आपने सर? हाँ सर। अरे तुम्हारा तो अभी हमारी कंपनी में सिलेक्शन भी नहीं हुआ और तुम तो मुझे अभी से सर बोल रहे हो। वो सर मैंने तो बस यूं ही। अरे बस बस जो कुछ भी मुझे सुनना था मैंने सुन लिया और जो तुम्हें कहना था तुमने कह लिया, और वैसे भी मैं तो तुम्हें अपनी कंपनी से पहले ही रिजेक्ट कर चुका हूँ। हाँ प्लीज सर इसकी पहली और आखिरी गलती समझ के इसे माफ कर दीजिए। पहली और आखिरी गलती? एक बार इनसे पूछ तो लीजिए इन्होंने मेरे साथ किया क्या है, मैं बताता हूँ आपको। एक तो मेरे से इसने इतनी बदतमीजी से बात करी और ऊपर से मुझे अपने पैसे का घमंड दिखा रही है, और अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो इसकी अब तक पुलिस कंप्लेन कर चुका होता। और आपको तो इसको सिखाना चाहिए कि लोगों की इज्जत करें ना कि उनकी बेइज्जती करें। सर प्लीज माफ कर दीजिए, आगे से ना ये ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। गलती तो तब करेगी ना ये जब मैं इसे मौका दूंगा गलती करने का, मैं तो इसको ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका हूँ अपनी कंपनी से। सॉरी सर आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। जाओ यहाँ से, मुझे ऐसे लोगों की बिल्कुल जरूरत नहीं अपनी कंपनी में।